कि मुख्यमंत्री जी को पेंशन पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ओपीएस बहाल करी है। हम ये चाहते हैं कि जो विधवा माताएं हैं उनकी पेंशन के ऊपर कैंची ना चले और साथ में करुणामूलक नौकरियां भी बहाल हों, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में विधानसभा में अनाउंसमेंट करी कि योग्यता के आधार पर जो है नौकरियाँ बहाल की जाएंगी और हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं। हिमाचल प्रदेश करुणा मूलक संघ द्वारा जिला स्तरीय बैठकों की कड़ी में सोमवार को संघ की दूसरी बैठक ऊना जिला मुख्यालय के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में की गई। संघ ने लंबित चल रही समस्याओं और सरकार के कुछ नए निर्णयों को लेकर विचार मंथन किया, जिसमें हाल ही में करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के साथ विधवा महिलाओं की पेंशन में कटौती को लेकर सीएम के दिए गए बयान का संघ ने विरोध किया है। प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में अनाउंसमेंट करी है विधानसभा सत्र के दौरान कि जितने भी हमारे 3000 के आसपास करुणामूलक परिवार हैं सबको एक मुश्त नौकरियाँ दी जाएंगी। पर हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री ने एक छोटी सी स्टेटमेंट भी दी कि जो करुणामूलक परिवारों की जो एक विधवा महिला है उसकी पेंशन के ऊपर जो है थोड़ी बहुत कटौती की जाएगी और साथ में आश्रित को नौकरी दी जाएगी। तो साथ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को पेंशन पुरुष कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ओपीएस बहाल करी है। हम ये चाहते हैं कि जो विधवा माताएं हैं उनकी पेंशन के ऊपर कैंची ना चले और साथ में करुणामूलक नौकरियाँ भी बहाल हों, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में विधानसभा में अनाउंसमेंट करी कि योग्यता के आधार पर जो है नौकरियाँ बहाल की जाएंगी और हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि संगठन ने ये भी डिमांड करता है कि समस्त परिवारों को जब नौकरियाँ दी जाएंगी तो उनकी माताओं की पेंशन के साथ जरा भी छेड़छाड़ ना हो, और अगर सरकार इस चीज़ को ये करती है कि तो संगठन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करेगा और ढोल नगाड़ों के साथ इस चीज़ इस फैसले का स्वागत किया जाएगा। और मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि जो 7/3/2019 की पॉलिसी है सरकार उसके ऊपर मंथन करे और उसके ऊपर ही जो चेंजेस संशोधन करना है उसी के ऊपर करे, क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ी खामी जो है मेन आय सीमा है 2.5 लाख रखी गई है और उसमें एक व्यक्ति सालाना परिवार में पर फैमिली मेंबर में जो बांटा गया उस चीज़ को हटाए सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बार को उठाया जाए, उनकी शादियाँ कैसे करेंगी, उनका पालन पोषण कैसे करेंगे, सरकार को इसको इस चीज़ को भी देखना होगा। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी हर एक चीज़ के ऊपर मंथन करे और जल्द से जल्द जो पॉलिसी लाने के ऊपर सरकार सोच रही है उस चीज़ के ऊपर सरकार फाइनल मोहर लगाए और नवंबर दिसंबर के आसपास हमारी जो नियुक्ति हैं वो सरकार करना शुरू कर दे।